गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 फोर्ड मस्टैंग जीटी के क्रैशेस और एक्सीडेंट के बारे में। आप सभी को पता होगा आज हर यूट्यूबर और व्लॉगर की पसंद फोर्ड मस्टैंग जीटी बन चुकी है और आज कई यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर के पास आपको फोर्ड मस्टैंग जीटी देखने को मिलेंगी। आज भले ही फोर्ड कंपनी इंडिया से जा चुकी है लेकिन आज भी कई लोग ऐसे है जो फोर्ड की गाड़ियों को पसंद करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा फोर्ड इंडेवर, फोर्ड मस्टैंग और ज्यादातर लोगों की ये ड्रीम कार भी बन चुकी है। लेकिन आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं फोर्ड मस्टैंग जीटी के क्रैशेस के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आते हैं पीयूष गेरा। ये एक इंडियन व्लॉगर है जो कनाडा में रहते हैं। ये अपने चैनल पर व्लॉग्स, लाइफ स्टाइल जैसे कॉन्टेंट अपलोड करते हैं। इनके पास एक ब्लैक कलर की फोर्ड मस्टैंग जीटी होती है। ये कहीं जा रहे होते हैं लेकिन सामने से अचानक होंडा सिविक वाले भैया टर्न ना लेते हुए सीधा जाते हैं, लेकिन पीयूष गेरा को टर्न लेना होता है और वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जाकर हिट कर देते हैं। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी है कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इनकी फोर्ड मस्टैंग की कंडीशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। नंबर 9 पर जो आता है वह है जयपुर का एक्सीडेंट। इसमें एक व्हाइट कलर में मॉडिफाइड फोर्ड मस्टैंग जीटी है जिसका प्राइस करीब 80 लाख रुपीज है। यह हाईवे पर हाई स्पीड में होते हैं। ये एक्सीडेंट जयपुर के वैशाली में होता है। इसके ओनर के बारे में कुछ पता नहीं चला लेकिन आप स्क्रीन पर इस कार की हालत को देख सकते हैं। आगे और पीछे से काफी नुकसान हो चुका है। ये डायरेक्ट डिवाइडर पर गाड़ी को चढ़ा देते हैं। नंबर 8 पर आता है केरला का एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट केरला का है जिसमें एक ग्रे कलर की फोर्ड मस्टैंग जीटी होती है। ये फोटो आपको स्क्रीन पर जो दिख रही है ये एक्सीडेंट से पहले का है। इस गाड़ी को सिर्फ 15 दिन ही हुआ था। मैं आपको बता दूं इसका इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप को वीडियो दिख रही होंगी कैमरे की जिसमें ये साइड से जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ये अपनी लाइन क्रॉस कर लेते हैं और सामने से ट्रक आ जाती है और वहाँ स्पेस ना होने की वजह से वो ट्रक में मार देते हैं। और इस गाड़ी में भी काफ़ी नुकसान हो चुका है, ये आगे से काफ़ी डैमेज भी हो चुकी है। नंबर 7 पर आता है आसाम का एक्सीडेंट। ये फोर्ड मस्टैंग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आसाम में किसी ने परचेस की थी और ओनली वन एक ही फोर्ड मस्टैंग जीटी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं रही। आपको पता होगा बारिश के टाइम आसाम मेघालय में पहाड़ गिर जाते हैं और बहुत बारिश होती है। यही सब कारण की वजह से शायद ये क्रैश हुई है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो इस कार के ओनर को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे इसे परचेस करने, लेकिन बदकिस्मती से इनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये करीब 85 लाख रुपीस की थी, यानी कि 85 लाख रुपए। 6 पर आता है यूपी का एक्सीडेंट। इसमें एक ब्लैक कलर की फोर्ड मस्टैंग जीटी होती है जिसका प्राइस 75 लाख रुपीस है और ये हाईवे पर टॉप स्पीड में होते हैं और गाड़ी कंट्रोल ना होने की वजह से वो मारुति 800 में हिट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप मारुति 800 की भी कंडीशन देख सकते हैं कैसी हो चुकी है। और फोर्ड मस्टैंग का आगे से काफ़ी खतरनाक तरीके से डैमेज भी हो चुका है। नंबर 5 पर आते हैं अश्विन सिंह टकारिया। आप सब शायद इन्हें जानते ही होंगे। ये एक व्लॉगर, इंजीनियर एंड ट्रेडर है। इनके चैनल पर आज 538K प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इनके पास कई करोड़ों का कार्स एंड बाइक का कलेक्शन भी है। उन्हीं में इनके पास येलो कलर की फोर्ड मस्टैंग जीटी भी है। इसके साथ कई बार छोटे मोटे क्रैशेस हो चुके हैं। नंबर 4 पर आते हैं द UK07 राइडर। आज UK07 राइडर को किसी भी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इनके पास कई करोड़ों का कार्स एंड बाइक का कलेक्शन भी है। इनके चैनल पर आज 6.4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये दिन ब दिन बहुत तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। इन्होंने अभी कुछ मंथ पहले ही फोर्ड मस्टैंग जीटी परचेस की थी, लेकिन इनकी इस कार के साथ कई बार क्रैशेस हो चुके हैं। इनके मीटअप में एक बार इनकी गाड़ी के साइड पार्ट्स निकल गए थे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और भी कई बार इनके साथ छोटे मोटे क्रैशेस हो चुके हैं। लेकिन अब बाबू भैया ने इस कार को सोल्ड ऑफ कर दिया है और वो बहुत ही जल्द सुपरा परचेस करने वाले हैं। वह ऐसा प्लान कर रहे हैं जो आप लोगों को इनके व्लॉग में बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगी। नंबर 3 पर आते हैं लोकेश गेमर। लोकेश गेमर आज इंडिया के टॉप गेमर में से एक है। इनके पास कई एक से बढ़कर एक कार्स है और अभी हाल ही में इन्होंने 4 से 5 मंथ पहले ही एक फोर्ड मस्टैंग शेल्बी जीटी परचेस की थी जिसका प्राइस करीब 80 लाख रुपीज है। और इनकी इस कार के साथ भी 2 से 3 बार छोटे मोटे क्रैशेस हो चुके हैं। नंबर 2 पर आते हैं एस गेमिंग। एस गेमिंग आज इंडिया के टॉप 5 गेमर में से एक है। इनके चैनल पर आज 19.6 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके अलावा भी इनके पास कई चैनल हैं जिस पर मिलियंस में सब्सक्राइबर है। एस गेमिंग ने अभी 1 ईयर पहले एक फोर्ड मस्टैंग जीटी परचेस की थी, लेकिन लोकेश गेमर और एस गेमिंग के ब्रदर ने इसे 2 से 3 बार क्रैश कर चुके हैं।
उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर फर्स्ट पर आते हैं मिस्टर इंडियन हैकर। मिस्टर इंडियन हैकर आज इंडिया के नंबर वन एक्सपेरिमेंट यूट्यूबर में से एक है और इनकी फैन फॉलोइंग का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मिस्टर इंडियन हैकर के पास आज कई करोड़ों का कास का कलेक्शन है, जिसमें कई एक से बढ़कर एक कास है। इनके चैनल पर आज 31.6 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके अलावा इनके पास कई चैनल है जिस पर मिलियंस में सब्सक्राइबर है। मिस्टर इंडियन हैकर ने अभी कुछ मंथ तो पहले ही एक ब्लैक कलर की फोर्ड मस्टैंग जीटी परचेस की थी, लेकिन इसके साथ इन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं जिसकी वजह से इसमें कई डैमेजेस हो चुके हैं। और अगर इसके प्राइस की बात कर तो ये करीब 80 लाख रुपीस की है। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपकी फेवरेट या ड्रीम कार कौन सी है।